कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया मस्त में होंगे। और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई। किसी ने मुझे गाली दी। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं थोड़ी थोड़ी। मतलब हम उस टाइम पे जब हमारा स्कूल जाते थे तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, आप सबको याद आ गया होगा। तो अब तो कुछ भी नहीं है। कल संडे था और संडे वाले दिन मेरे साथ एक किस्सा हुआ। किस्सा मतलब ये लगा लो कि आलू पूड़ी बहुत मजाकिया बन गई मेरी लाइफ में। आया यार, आलू पूड़ी हम अपने घर में खाते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आलू पूड़ी बन जाती है। कभी कोई व्रत होता है या कभी ऐसे मन होता है तो आलू पूड़ी मोस्टली हमारे घर में बन जाती है। तो कल मे बी संडे को कुछ था, मुझे मुझे ये नहीं पता कि वो क्या चीज़, मतलब क्या फेस्टिवल था या क्या मस्या थी या कुछ था। तो बहुत जगह में लंगर बट रहा था। तो मेरे को मैंने एक जगह मेरे घर के पास में ही ना आलू पूड़ी मिल रही थी। तो मुझे थोड़ी क्रेविंग हुई यार कि मुझे तो दिल कर रहा खाने का। हाँ, ये मत सोचना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट ऐसे ही मेरा मन किया कि मेरा दिल कर रहा है आलू पूड़ी खाने का। तो मैंने वरुण को बोला यार आलू पूड़ी पूड़ी खिला दो। वरुण कह रहा आलू पूड़ी खाने में घर में खा लो। मैंने कहा यार हम जितनी भी कोशिश कर लें बट घर में वो वाला टेस्ट नहीं बनता जो हमें एक लंगर में स्वाद आता है। अरे ठीक है, मैं ला देता हूँ, तुम घर में वेट करो। अब ये गया, मुझे नहीं पता इसने मेरे दोस्त को फ़ोन किया और वे दोनों वहाँ पहुँच के जहाँ लंगर मिल रहा था वहाँ पहुँच के ये हुआ कि लंगर तो बहुत सारा था बट जिस जिस चीज़ में वो बांटते हैं पत्तल कटोरी वो ख़त्म हो चुका था। तो ये दोनों ने क्या किया कि फटाफट से दो पन्नियाँ ले ली। मुझे मात्र दो पूड़ी खानी थी बस, दैट्स इट। से ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये था कि स्वाद है, इसके अलावा कुछ नहीं था। मन कर रहा था मेरा खाने का तो ठीक है। अब ये दो पन्नियाँ लेके पहुँच गए और अंकल जी के पास लोग खड़े हुए जो लंगर के लिए, मतलब जो लोग खड़े हो जाते हैं लेने के लिए। अंकल कहते बेटा मैं लंगर बांट रहा हूँ, मैं घर के लिए नहीं दे सकता। मैंने कहा यार शिट, कितनी बेइज्जती करा रहे हो। ऊपर से मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तू पागल है, तूने कहाँ भेज दिया वरुण को लंगर लेने के लिए, तूने आलू पूड़ी नहीं खाई। मैंने कहा भाई आलू पूड़ी तो मैंने खाई है घर में, बट मुझे लंगर खाने का मन कर रहा था, आलू पूड़ी बस ऐसे मन किया खाने को बोल दिया। वो देख वो मोर महान है, वो तो पन्निया लेके पहुंच गया। अंकल जी कह रहे हैं बेटा माफ़ करो, आप घर के लिए खाने को नहीं दे रहे। मैंने कहा लो यार, सो आलू पूड़ी मेरी मुझे नहीं मिली। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका भी कोई मन करता है वो जो लंगर में आलू पूड़ी मिलती है। मेरा तो बहुत मन करता है, मैं जब भी लंगर कहीं भी देखती हूँ आलू पूड़ी मेरा वो बहुत मन करता है। हालांकि मैं लंगर काफ़ी लंगर लगे रहते हैं, छोले कुलचे और कढ़ी चावल, मेरा वो मन नहीं किया, बट आलू पूड़ी देख के मेरा मन कर गया कि यार मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। पर वो मुझे नहीं मिला। मेरे पति पन्नी लेके पहुँचे कि नहीं मैं अपनी बीवी के लिए दो आलू पूड़ी, मतलब दो पूड़ी खानी थी मुझे, और मुझे वो भी नसीब नहीं हुई। तो प्लीज़ गाइज, आपके साथ भी ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे बताना, और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि घर के आलू पूड़ी और बाहर लंगर के आलू पूड़ी में डिफरेंट होता है। मेरे मुंह में अभी भी क्रेविंग हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घर पे नहीं बना सकती, बट मुझे पसंद आया घर बाहर के आलू पूड़ी जो लंगर में बढ़ते हैं वो अच्छे से लगते हैं ना, करारे करारे से पूड़ियाँ। तो प्लीज़ गाइज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको भी वो पसंद है कि नहीं है, या वो तरीका जो वो बनाते हैं जिस तरीके से, अगर आपको मुझे आता है तो प्लीज़ मुझे अपने घर पे इनवाइट करो, मैं आऊँगी खाना खाने। प्लीज़ गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।